सीरियल अनुपमा में मालविका का एक फैसला अब बहुत ही बड़ा तूफान लेकर आएगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुज और अनुपमा दोनों ही पिकनिक मनाने पहुंचे हैं, जहां पर अनुज और अनुपमा की बहुत ही केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। अनुपमा अनुज की तस्वीरें लेते हुए अपनी सेल्फी ले लेती है और बेचारे की एक भी फोटो नहीं लेती, जिसके बाद अनुज उसके पीछे भागता है और अनुपमा और अनुज दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। दोनों ही बैडमिंटन खेलते नजर आते हैं, जिन्हें दोनों को साथ में इस तरह से देखकर अनुपमा को बैडमिंटन नहीं आता और अनुज उसे सिखाते नजर आता है। तो वही दौड़ते उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफी खुश हो रही थी कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अनुज उस आंटी को दीदी कहकर बुला देता है, जब उसके पास कैरेट चली जाती है और वो उसकी तरफ जोर से फेंक कर मारती है। तो दूसरे अनुज और अनुपमा देखने वाला अनुज अनुपमा से कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे अलावा सब मेरी दीदी बेटी बहन ऐसे कुछ है। तो अनुपमा कहती है कि आजकल आप ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करते, और अनुज कहता है तुम ज़्यादा ब्लश नहीं करती, और दोनों ही काफ़ी क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिलती है। और अनुज उसकी तरफ देखते देखते पीछे मुड़ते जाता है और पीछे की साइड उसका ध्यान नहीं जाता और उसके स्पैक्स में और आँखों में कुछ मिट्टी सी गिर जाती है, और पीछे देखने की बजाय अनुज उसमें गिरने वाला होता है और अनुपमा उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचती है और उसे प्यार से हग कर लेती है। अनुपमा बहुत बुरी तरह से डर जाती है और अनुज कहता है कि तुम्हारे होते अनुपमा मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं खाई में ना गिरूंगा ना ही कभी जिंदगी में गिरूंगा, और बहुत बड़ा हिंट दे जाता है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को भी मिलेगा। तो दूसरी तरफ अनुज यहाँ पर मालविका साफ मना कर देती है अवनराज को कि वो ये डील नहीं करना चाहती क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन अब देखने को मिलता है कि वो सीधा अनुज को कॉल करती है और अनुज बहुत जल्दी से घर पहुंचते हैं और मालविका आकर खुशखबरी सुना देती है कि वो मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। और ये सुनकर अनुज का गुस्सा उठता है और उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालविका कहती है तुमने भी तो 26 साल से प्यार किया, ये क्या हो गया। लेकिन अवनराज मेरे लिए कोई प्यार प्यार नहीं है, ना ही मैं उससे पसंद करती हूँ जैसे एक्टर को कोई पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि अगर उनके सामने आया कि तुम उनसे प्यार करती हो तो देखना वो उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अनुपमा और अनुज की बातें समझ नहीं आती, लेकिन अनुज अपना फैसला सुना देता है और कहता है कि ये पार्टनरशिप तुम कल की कल तोड़ोगी चाहे कुछ भी हो जाए, और अब मैं तुम्हें इस गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जाकर अवनराज काव्या से कह देता है कि ये मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ, अब तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ तो नहीं आ पाओगी ना। लेकिन काव्या कह देती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से तो कभी नहीं जाऊँगी। और देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में कि अनुपमा अवनराज से साफ कहती है कि आप उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं, तभी और वो कहता है कि नहीं मेरा सिर्फ अब टारगेट पर फोकस है। और मालविका आकर कहती है हाँ राज की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये पार्टनरशिप तोड़ती हूँ। मालविका अब यहाँ पर पार्टनरशिप तोड़ते नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर इतनी आसानी से अवनराज उसकी जिंदगी से नहीं आ जाएगा और अनुज को अपना पार्टनर उसे बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या मालविका के सामने अवनराज का असली चेहरा आ पाता है या नहीं, और किस तरह से अब अवनराज और भी ज्यादा उसे मैनिपुलेट करते नजर आएगा, और देखते हैं कि अनुपमा अनुज को बर्बाद होने से कैसे बचाती है।